हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक रूटीन या डेली व्लॉगिंग वाला वीडियो नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने सब्जियों की शॉपिंग करी है। काफ़ी सारी सब्जियां लेके आई हूँ, फ्रेश वेजिटेबल्स और थोड़े से फ्रूट्स। तो आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे इन जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, इनको क्लीन करके और इनको कैसे मैं स्टोर करती हूँ। अगर सब्जियों को पहले ही हम ठीक से धो के और उनको अच्छे से साफ करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे ना ही केवल सब्जियां काफ़ी दिन तक टिकती हैं, बल्कि आपको जब भी खाना बनाना होता है तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और आप फटाफट खाना बना के ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपनी सब्जियों को वॉश और ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बेसिकली मेरे एक हफ्ते की जो सब्जियां हैं, वो टमाटर, प्याज, मटर, शिमला मिर्च, गोभी और आपके गाजर, मूली, और ये है यहाँ पे आलू प्याज। तो ये जो मैं बल्क में लेके आती हूँ बेसिकली वो वाले सब्जियां हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं इनको कैसे वॉश करके और स्टोर करती हूँ। तो जो सब्जियां हैं यहाँ पे, मैंने इन सब्जियों को अलग से रख दिया है क्योंकि ये सब मैं वॉश करने वाली हूँ। और इधर जो है मैंने आलू प्याज है और ये गार्लिक है, इनको अलग से स्टोर करने वाली हूँ क्योंकि ये ड्राई वेजिटेबल्स हैं। तो आलू प्याज को स्टोर करने के लिए जो मैं ऐसे बास्केट्स हैं, इनमें मैंने ऐसा न्यूज़पेपर लगा दिया है ताकि जो प्याज के छिलके हैं वो नीचे ना गिरे। तो मेरा जो जहाँ पे मैं रखती हूँ उनको स्टोर करती हूँ वो गंदा ना हो ज़्यादा। तो हम प्याज को अलग से रख दूंगी। तो जो प्याज में छिलके होते हैं मैं उनको इसी टाइम पे निकाल देती हूँ ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो। और ये छिलकों को फेंकने के लिए मैंने डस्टबिन नीचे ही रख लिया है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इसे डस्टबिन में ही डाल देती हूँ। ये प्याज हो गए हैं, अभी मैं आलू को डाल दूंगी सेम ऐसे ही टोकरी में। जो लहसुन है मैं उसको भी प्याज की तरह ही उसके सारे छिलके जो हैं ऊपर से उनको हटा के, ऐसा छोटा खाने के डब्बे आते हैं ऐसा, ये मेरे को कुछ खाना ऑर्डर किया था ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस, तो मैं इनमें रख लेती हूँ। और आलू प्याज को अलग से स्टोर करने का ये भी है, जैसे कहते हैं कि आलू प्याज को आप साथ में रखते हो तो आलू प्याज बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं आलू और प्याज को अलग टोकरी में ही रखती हूँ। मैं सब लहसुन जो है उनको क्लीन करके इसमें डाल दूंगी लहसुन। अब है फ्रूट्स, आज मैं फ्रूट्स ज्यादा लेके नहीं आई हूँ, तो सिर्फ केले हैं, केले को मैं इसमें बास्केट में रख दूंगी। अब जो मेरे पास बची है वो है ये सब्जियां, मटर, मटर को भी मैं छील के डाल दूंगी। और ये जो सब्जियां हैं ये वो सब्जियां हैं जिनको मैं सब वॉश कर लूंगी, वॉश करके ओजोनाइजर में डाल के फिर उनको सुखा के फिर मैं उनको फ्रिज में डालूंगी। अब इन सब सब्जियों को मैं एक बार अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो अभी जो है मेरी जो एक लॉट है सब्जियों की वो वॉश हो चुकी है, बीन्स और अदरक ही रहते हैं। तो मेरे पास ये है बड़ा डोंगा, तो अभी फिलहाल मैं जो टमाटर और जो मैंने सब्जियां ऑलरेडी धो चुकी हूँ इनको इसमें डाल के ओजोनाइजर ऑन कर दूंगी। तो जब तक वो ओजोनाइजर में सब्जियां ये वाली धुल जाएंगी तब तक मेरी ये जो बाकी सब्जियां हैं जैसे ये अदरक और बीन्स और गोभी, तब तक इनको मैं वॉश कर लूंगी। तो चलिए इनको ओजोनाइजर में लगाते हैं। तो जो सब्जियां मैंने वॉश कर ली हैं उनको मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये जो है मेरा फुल हो चुका है, अब मैं ओजोनाइजर ऑन करूंगी। ये है मेरा ओजोनाइजर, ये प्रेस्टीज का है, तो इसमें एक ऐसा पाइप होता है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऐसे। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, इसको इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम इसको ऑन कर देंगे, अब मैं इसको ऑन कर दूंगी 10 मिनट के, यहाँ पे टाइमर रहता है तो मैं इसको 10 मिनट्स के लिए ऑन कर दूंगी। तो जब तक मेरी ये सब्जियां यहाँ पे ओजोनाइजर में अच्छे से वॉश हो जाती हैं तब तक मैं बाकी सब्जियों को फटाफट वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी ये मेरी सब्जियां यहाँ पे वॉश हो चुकी हैं,
तो मैं इनको निकाल लूंगी और इनमें बाकी जो सब्जियां हैं वो डाल दूंगी वॉश होने के लिए। अब ये जो सब्जियां हैं मैं इनको सूखने के लिए रख दूंगी, तो ये सेकंड बैच भी मैंने लगा दिया है वॉश करने को। तो जब तक ये सब वॉश होते हैं मैं तब तक मटर छील लूंगी फटाफट। धनिया पत्ता है, मैं उनके भी जो रूट्स होते हैं जैसे मिट्टी होती है वो निकाल के उनको ऐसे बीन लेती हूँ, बीन के उनको बॉक्स में ऐसे रख के स्टोर कर देती हूँ। तो ये मैं सभी हरी सब्जियों के साथ करती हूँ, उनको पहले लाते ही मैं उनको बीन लेती हूँ ताकि जब खाना बनाना हो तब बीनने में टाइम वेस्ट ना हो, तो फटाफट खाना बन जाता है। तो जो मेरी सारी सब्जियाँ हैं उनको मैंने ये फ़ैन के नीचे सूखने को डाल दिया है, तो जब ये एक बार सूख जाएंगी फिर मैं इनको अपने अपने जगह पे रख दूंगी। मेरी सारी सब्जियां वॉश हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, अब मैं उनको ऑर्गेनाइज करूंगी। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ उनको रखने के लिए। तो मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के जो डब्बे हैं, ये जैसे मैंने अभी मटर छीलने में यूज़ किया, तो ये तो मेरे खरीदे हुए हैं जैसे फ्रीज़र वगैरह के लिए, और ये हैं जो अमूल के आइसक्रीम्स आते हैं वो वाले बॉक्सेस जैसे इसमें से निकला नहीं है। तो इस तरह के बॉक्सेस इनको वॉश करके रख लें और इनको सब्जियां स्टोर करके रखने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं सब्जियां काट के कभी स्टोर नहीं करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता है। मैं सब्जियों को वॉश करके सुखा के ही बस इन डब्बों में रख के इनको ढक्कन लगा के रख देती हूँ, तो उससे सब्जियां सूखती नहीं है और काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं। अब जो है जो मेरी सब्जियां हैं सारी सूख चुकी हैं, तो अब मैं उनको प्रॉपरली अपने बॉक्सेस में डाल के ऑर्गेनाइज करूंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बीन्स से। मेरे पास यहाँ पे 3 तरह की बीन्स हैं, तो मैं इस बॉक्स में पार्टीशंस बना लूंगी, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है मेरे पास। कवर करके ही रखती हूँ क्योंकि ये फिर फ्रेश रहते हैं, मॉइस्चर लॉस नहीं होता इनका। उसी बीन्स बच गई हैं उनको मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए जिंजर वॉश करने के बाद जब उसको सुखा देते हैं बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। देखिए अब इनको जब आप यूज करेंगे चाय में या सब्जी के लिए आपको उसको वॉश करने की, इसको पील करने की जरूरत नहीं है, बस निकालिए और डाल दीजिए चाय में। पॉली बैग में डाल के रखती हूँ तो ये काफी फ्रेश रहती है, और इसको इसमें डाल के इसको हम बांध लेंगे। धनिया पत्ता मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, धनिया पत्ता मैंने बीन के इसमें डब्बे में डाल दिया है। ये है मटर, ये टमाटर प्याज, और ये जो सब्जियां हैं ये मैं डायरेक्ट जो फ्रिज है उसमें डाल देती हूँ। तो ये मेरी सारी सब्जियां हो गई हैं ऑर्गेनाइज्ड, अब मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। अभी ये आलू प्याज को मैं अपनी जगह पर रख दूंगी, मैं यहाँ पर रखती हूँ। मेरा लहसुन है ये भी उसी जगह पर रहता है, रख दूंगी। तो ये हो गया मेरा आलू प्याज। अभी जो मेरे ये बचे सामान हैं ये जो है ये मैं फ्रिज में डालूंगी, फ्रिज के नीचे की टोकरी में। मेरे फ्रिज के सामान नीचे ट्रे वाली। अभी आते हैं बाकी सामानों में। ये जाएगा मेरे फ्रीजर में और मेरी बाकी सब्जियां मैं रखूंगी फ्रिज में। इसमें देखिए जैसे मैंने मिर्ची रखी खत्म हो गई है, तो मैं मिर्चियों को भी धो के उनके ऊपर की जो डंठल होती है वो निकाल के ऐसे स्टोर करती हूँ। मिर्ची भी, धनिया पत्ता, बीन्स, ये दूसरी वाली बीन्स, और ये मेरे अदरक। तो ये हो गया मेरा सॉर्टिंग सारा। तो ये था मेरा सिंपल सा जो अपनी सब्जियों को ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं उसका तरीका। आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो। अगर आप पहले से ही कर रहे थे और आपके पास कुछ और टिप्स हैं तो प्लीज़ मेरे साथ भी उनको शेयर करिए, मैं ज़रूर उनको फॉलो करना चाहूँगी। तो मिलते हैं फिर अगली बार एक नए वीडियो के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।